कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे लोहा बाजार के बारे में, जानेंगे आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोहा बाजार में, और TMT सरिया में ब्रांडेड कंपनियों में किस तरह से कारोबार आप देख सकते हैं, क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आजकल देखा जा रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं। लोहा बाजार में कल के दिन काफी अच्छी खासी तेजी आई थी और इंगट का जो लेवल रहा वो 49,000 के पार भी जा चुका था, लेकिन आज बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग दर्ज करी जा रही है। मुनाफा वसूली की वजह से इंगट के बाजार में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार हुआ है, और बाजारों में जो नरमी आज देखी गई है इसका असर आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में TMT सरिये के कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। आज की कीमतों के बारे में बात करते हैं तो आज भारतम कंपनी का रेट 55,000 चल रहा है, कामधेनु कंपनी की 61,800 है, केटू कंपनी का रेट 60,931 रुपए आप देखकर चल सकते हैं, ज्योति कंपनी की 61,512 है, फॉर्चून कंपनी का रेट इसी तरह से 62,099 रुपए चल रहा है, प्रबल कंपनी की 61,001 रुपए है, द्वाबा कंपनी में 66,100 रुपए का रेट मार्केट में आप देखकर चल सकते हैं, दीपक कंपनी का रेट 54,700 है, जवाहर कंपनी की बाजारों में 58,500 रुपए है, शेर पंजाब कंपनी का रेट 61,811 है, अंबा कंपनी में 58,600 रुपए का रेट चल रहा है, जिंदल कंपनी में 61,600 रुपए पर आप मार्केट में कारोबार देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में कल की तेजी के बाद आज दोबारा से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दर्ज करी गई और इंगट के लेवल में गिरावट आई, 48,800 रुपए का लेवल चल रहा है, MS इंगट का 200 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है, और MS स्क्रैप में 38,100 रुपए का रेट आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है आज वो फ्लैट नजर आ रहा है, हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही गिरावट आई है, बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, और बाजार में अगर यहाँ से सस्टेन करता है, अगर इस लेवल से बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती है तो आपको आने वाले टाइम में इंगट के साथ साथ TMT सरिये में भी तेजी के साथ सुधार के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।